पुनर्वसु नक्षत्र डाल के गूगल में सर्च करो, लो मोबाइल लो जल्दी, पुनर्वसु नक्षत्र सिंबल ऐसे गूगल में डालो, क्या आता है देखो, पुनर्वसु नक्षत्र सिंबल धनुष और बाण आएगा, आ गया धनुष बाण। तो जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है वो धनुष और बाण को अपने मोबाइल स्क्रीन पर डालकर रखा, सुबह उठते ही उसको देखेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस चिन्ह से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये नक्षत्र आपके पूर्व जन्मों की समृद्धि सुख का कनेक्शन का कोड सिंबल, सीक्रेट सिंबल है जो आपको पता नहीं है, जिसके संबंध से दुनिया में राजा बन सकते हो। ये पुनर्वसु नक्षत्र का धनुष और बाण है क्या बेटा? अरे दो, अभी देखो रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण जन्म लिए जिसमें, कृष्ण कहां किसमें जन्म लिए आपको पता है, अष्टमी के पावन दिन पर रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए भगवान कृष्ण। और रोहिणी नक्षत्र का सिंबल है रथ, क्या है? रथ। कृष्ण बहुत सारे काम किए लेकिन गीता के लिए माने जाते हैं, भगवत गीता के लिए कृष्ण ने कंस चानूर कितनों ही का मर्दन किया, क्या क्या लीला नहीं किए, गोवर्धन को उंगली में उठा के गोवर्धन धारी बन गए, लेकिन उनका नाम किस में प्रसिद्ध हुआ? भगवत गीता का ज्ञानाचार्य बनने के कारण। और वो गीता को कहाँ खड़े होकर के उपदेश दिया भाई? तो वो रथ ही उनको ज्ञानाचार्य बनने में सहयोग किया, क्योंकि उनका भी नक्षत्र का चिन्ह रथ था। कृष्ण क्यों ना हो, राम क्यों ना हो, नक्षत्र का चिन्ह उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका नक्षत्र, कई लोगों को खुद का नक्षत्र ही पता नहीं, ठिकाना नहीं है, चटाई का पता नहीं तो तकिए की तो बात क्या करें, नक्षत्र का ही पता नहीं है उसको। मैं नक्षत्र के सिंबल की बात करूं तो बहुत अटपटा लगता है, लेकिन पहले आपका नक्षत्र का, क्योंकि राशि तो हर एक व्यक्ति की तीन नक्षत्रों से चलती है, और वो नक्षत्र बराबर नहीं हो राशि को समझ के बैठो, अगर नक्षत्र दूसरा हो तो आपका जीवन और उसका फल दोनों बदल सकते हैं। और आपका नक्षत्र देखिए, खाली ऐसे ही ज्ञान फोगट का ज्ञान नहीं देता, मेरे पास ज्ञान वही है जो प्रैक्टिकल है। मेरा नक्षत्र है मृगशिरा, क्या है? मृगशिरा। मृग मृग याने हिरण, मृग याने क्या? हिरण। शिरा याने उसका सिर, मृगशिरा का है सिंबल, मृग का सिर, हीरे हिरण का सिर, क्या है इसमें, क्या है? हिरण का सिर। मैं रोज देखता हूँ सुबह उठ के, क्योंकि कृष्ण के लिए भी जो बलकारी था, राम के लिए भी जो बलकारी था, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए तो उसका सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है।